Hello students of class 10. Today I am going to teach you chemistry and the topic is acids, bases and salts. Before we start the discussion, it will be quite essential to see the blackboard, see the figure, see the writings in zoom condition. It will be more convenient for you. Dear students, आगे discussion सुनने के पहले आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके और बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देख लेंगे. जहाँ भी कठिनाई है आप उसको ध्यान से देख लेंगे और तब उसके बाद आगे आप ध्यान दें. एसिड्स, बेस एंड साल्ट, जो कंपाउंड्स इतने हम पढ़ते हैं वो कंपाउंड्स या तो एसिड होंगे या बेस होंगे या साल्ट होंगे. इन तीनों को अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम लोग एसिड के बारे में जानें और एसिड बेस दोनों को जानने के पहले हम लोगों को इंडिकेटर के बारे में जानना होगा. इंडिकेटर क्या है? इंडिकेट सूचना देना. इंडिकेट में सूचना देना. इंडिकेटर द सब्सटेंस व्हिच indicates about any solution whether it is acidic or basic. Indicator क्या है? ये अपने color change से आपको सूचना देते हैं कि जिस medium में ये डाले गए हैं वो medium acid का है कि base का है. अब indicator को हम define करते हैं. Indicator is a chemical compound which is added to a solution in very small amount to detect the acidic or basic nature. This detection is based on color change. You will able to understand it clearly. First indicator is litmus. It is the most common indicator. आप अपने घर में नहीं काम चलाऊ litmus बना सकते हैं. आप कागज लीजिए, उस कागज पर अड़हुल का फूल आपके अगल बगल होगा ही, एक फूल तोड़िए और उस कागज पर बढ़िया से दोनों तरफ उसको रगड़िए, सुखा लीजिए. ये एक काम जलाऊं लिटमस पेपर हो गया. अब इसको जब आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे रेड कलर गेन करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे वो ब्लू कलर गेन कर लेगा. ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर कीजिएगा. What is litmus? ये जो litmus हमने बनाया ये litmus क्या है? It is a mixture of water soluble dyes. Some dyes, some colors are water soluble and litmus is mixture of water soluble dyes extracted from lichens. इन dyes को हम कहाँ से निकालते हैं? Lichen से. Lichen जानते हो? Lichen is combination of algae and fungi. लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं. स्पेशली जो लाइकन है वो क्या है? रोसेला टिंक्टोरिना. रोसेला टिंक्टोरिना से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जूस और उससे हमारा लिटमस बनता है. अब ये लिटमस जो है ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा और बेसिक मीडियम में ब्लू कलर देगा. आप लिटमस डालिएगा, अगर सोल्यूशन एसिडिक है रेड कलर का ये हो जाएगा और अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा. ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है, हर जगह यूज होता है. लेबोरेटरी में आपको मिलेगा फेनोफ्थैलीन. ये फेनोफ्थैलीन एक ऐसा लिक्विड है जो न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होगा, एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस होगा बट बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक हो जाएगा. बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाएगा. सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज है, जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है ये ऑरेंज कलर का होगा. न्यूट्रल सॉल्यूशन में या नेचुरली ये ऑरेंज कलर का होगा इन न्यूट्रल सॉल्यूशन. बट रेड इन एसिडिक, जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में आप डालेंगे ये रेड कलर का हो जाएगा. और
जब इसको बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा तब ये क्या हो जाएगा, येलो कलर्ड हो जाएगा। इनके अलावे कुछ और फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं, प्याज वगैरह है ऐसे। नॉर्मली प्याज को आप देखेंगे बड़ा बीटर उसमें से स्मेल आता है ना, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल खत्म हो जाता है। अब हम लोग इंडिकेटर जान गए, इंडिकेटर हमको इंडिकेट कर देगा गिवन मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है। आप अपने अगल बगल अपने घर आज ही कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेमन जूस लीजिए और उसमें ब्लू लिटमस डालिए, रेड कलर्ड हो जाएगा। जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं उनके जूस में अगर आप डाल रहे हैं ब्लू लिटमस, वो रेड कलर्ड हो जाएगा। और रेड कलर जो लिटमस है उसको आप कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कॉमन आपका एक चारों तरफ इजीली अवेलेबल बेस है, अल्कली है, उसके कांटेक्ट में लिटमस आप ले जाएंगे, वो रेड कलर्ड हो जाएगा। ओके, इतना समझ गए। अब हम लोग आ रहे हैं एसिड पर। आप लोअर क्लास से छोटे क्लास फिफ्थ सिक्स क्लास में सुने होंगे एसिड्स क्या हैं। ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका टेस्ट सॉवर होगा, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे और जो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देंगे। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा अब एडवांस किया जाए। तो लेविग ने एसिड को डिफाइन किया, एसिड्स आर कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसिएबल पार्शियली और कंप्लीटली बाई ए मेटल और ए पॉजिटिव रेडिकल टू प्रोड्यूस साल्ट। एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन होगा ही, एक हाइड्रोजन हो या दो हाइड्रोजन हो या मोर देन टू हाइड्रोजन हो, और ये रिप्लेस होगा, पार्शियली रिप्लेस हो या कंप्लीटली रिप्लेस हो। और रिप्लेस होगा कैसे, या तो किसी मेटल से, या मेटल लाइक कोई पॉजिटिव रेडिकल है तो उससे रिप्लेस होगा, और जब रिप्लेस होगा तब फाइनली बनेगा क्या, साल्ट। वंस अगेन कंसीडर इट, एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन, एंड दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई आइदर एनी मेटल और पॉजिटिव रेडिकल्स। नाउ वी विल डिस्कस बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। All the idea about acid. Now I will describe you a strong acid and weak acid. First, a strong acid. A strong acid. Whenever any acid is mixed with water, it dissociates into ions. As you know in your previous class, when HCl is mixed with water, it means when we dilute HCl, hydrochloric acid, it dissociates into H positive ion and chloride negative ion. Same is the condition with sulfuric acid, H2SO4. When it is mixed with water, it means we make its aqueous solution, it will dissociate into H positive. Here high number of hydrogen atom is 2 plus SO4 double negative. It is called dissociation of acids. अब देखो, जो acid completely dissociate हो जाए, मतलब उसमें जो hydrogen present हैं वो सारे के सारे hydrogen निकल जाए, displace हो जाए, तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ ये डिसोसिएशन हमने दिखाया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड H3
phosphoric acid, H3PO4. Whenever we dissociate it, we will find 3H positive plus PO4 triple negative. Nitric acid aqueous. H positive plus NO3 negative. Acid dissociate only when they are mixed with water. Concentrated acid do not dissociate. If the dissociation is completely performed, the acid will be a strong acid. But there are some acids also which are not completely dissociated. They dissociate partially. As for example, perhaps you have heard the name of acetic acid. Have you heard? Mineral acid, these acids are mineral acid, and some organic acid or carboxylic acids are also found in our nature, and they are called organic acid. They contain COOH radical. And in this condition, they are not completely dissociated. CH3COOH. What is this? It is ethanoic acid. Ethanoic acid. When we dissociate ethanoic acid, it will dissociate into H positive and CH3COO negative. Here, the dissociation is not complete. The dissociation is partial and hence it is weak acid. Once again, we should understand, when the aqueous solution of any acid dissociates completely, it is a strong acid. But when the dissociation is partially dissociate, it is weak acid. Example of weak acid, ethanoic acid, acetic acid or ethanoic acid. All other organic acids are weak acids, some of them are edible, and mineral acids are generally a strong acid. Hydrochloric acid is considered a strong acid. Hence, it is very dangerous for our skin, yet our gastric gland secrete hydrochloric acid that is very dilute, and it acts in our stomach to be helpful in digestion and to degenerate all the bacteria engulfed by us. Now we will consider basicity of the acids. Basicity is also called proteicity. Basicity and proteicity. It is determined by the hydrogen atom which is replaceable. किसी भी एसिड में हाइड्रोजन एटम का वह नंबर जो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए उसी को बेसिसिटी कहते हैं. जैसे मान लीजिए HCl एक एसिड है. HCl में रिप्लेस होने लायक कितना हाइड्रोजन है? एक एटम. जब इसका डिसोसिएशन करते हैं एक H पॉजिटिव मिलता है और इसलिए इसकी बेसिसिटी या प्रोटीसिटी क्या हुई? 1 हुई. बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 1. अब आप थोड़ा सा सोचिए सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, प्रोटीसिटी क्या होगी? सोचिए द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज 2. हेंस बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2. Similarly, if I ask you, what is the basicity of phosphoric acid, H3PO4, when it dissociates, there is formation of 3H positive one. It means basicity of phosphoric acid is 3. But in case of acetic acid, what is its basicity? Its basicity is 1 because there is
replacement of only one hydrogen atom. Therefore, basicity or proticity of any acid is determined by the number of replaceable hydrogen atoms. Now, I am going to discuss you about general properties of acids. Now, we will discuss properties of acids. First, acids contain solvents. आप बचपन से जानते हैं एसिड का टेस्ट क्या होगा, सॉल्वेंट का खट्टे टेस्ट का होगा, ये ब्लू लिटमस को रीड कर देंगे। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन का रिएक्शन आप जान ही चुके हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज में जनरली हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। व्हेनेवर एसिड्स आर मिक्स्ड विथ वाटर there is dissociation, either completely dissociation or partially dissociation. If the acid is a strong acid, there is complete dissociation, and if the acid is weak acid, there is partial dissociation. हम लोग देख चुके हैं। Next, reaction with metals. Metals. Whenever dilute acid reacts with metals, there is formation of salt and hydrogen. अब जानते हैं एसिड हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है और वो हाइड्रोजन रिप्लेसिएबल है, वो रिप्लेस हो जाएगा मेटल्स। तो कंडीशन क्या है, एसिड डाइल्यूट होना चाहिए। मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब आप अपने चॉइस से डिफरेंट मेटल से लीजिए और डिफरेंट एसिड से लीजिए और रिएक्शन करेंगे, आप इजीली करा लेंगे, आपका प्रैक्टिस भी होगा, दिमाग में कंसेप्शन भी हो जाएगा। Fe प्लस HCl डाइल्यूट होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। इक्वेशन को बैलेंस करना होगा आपको, क्या करेंगे, यहाँ अप टू दे देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब एक दो प्रैक्टिस आप अपने से करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने जिंक मेटल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, डाइल्यूट या एक्वस भी आप लिख सकते हैं, ZnSO4 प्लस H2। क्या लिख रहे हैं, एनी मेटल प्लस एनी एसिड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटलिक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड आप लिख रहे हैं, MO सिंबल फॉर मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। अब यही एग्जांपल आप लेके आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एक दो एग्जांपल मैं बताऊंगा और बाकी डिफरेंट मेटल से लीजिए, डिफरेंट एसिड से लीजिए और आप उनके रिएक्शन कराते जाइए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मेटल ले लिया Na, मेटल का ऑक्साइड है NaO, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा Na2 सोडियम ऑक्साइड और प्लस HCl हमने ले लिया, क्या होगा, साल्ट बनेगा, साल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ओके, अब इसको आप बैलेंस करेंगे, मैं अनबैलेंस जानबूझ के छोड़ रहा हूँ कि आप बैलेंस करने का प्रैक्टिस करते चलें। केमिकल रिएक्शन में मैंने बैलेंस करने का तरीका आपको बताया है, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस करने का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्टिविटी बढ़ाइएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में भी बेनिफिट होगा और फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बेनिफिट होगा।
क्रिएटिविटी के लिए मैं बैलेंस नहीं करता हूँ आपका ही। तो आप दो प्रॉपर्टी समझें, मेटल के साथ साल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटलिक ऑक्साइड के साथ साल्ट एंड वाटर। थर्ड आप लेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए यहाँ भी इन प्रोडक्ट वही होंगे, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड से रिएक्शन कराएंगे, साल्ट के जगह क्या बनेगा, यहाँ पर साल्ट तो बनेगा लेकिन साथ ही साथ यहाँ एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और वाटर बनेगा, साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं जानबूझ के बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप करें, प्रोडक्ट क्या होगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये साल्ट हुआ आपको, प्लस वाटर बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब बैलेंस कर लेंगे, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर देंगे। अब चलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो, वहाँ भी कंडीशन यही रहेगा, H2O बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साल्ट बनेगा। फोर्थ रिएक्शन होगा मेटल के सल्फाइड या सल्फेट हो और वहाँ रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बदले सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, साल्ट वाटर तो होगा। ये एसिड के जनरल प्रॉपर्टी हो गए। एबव ऑल आप एक प्रॉपर्टी हमेशा रिमेम्बर रखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था, एनी एसिड प्लस एनी अल्कली और बेस द फाइनल प्रोडक्ट इज वाटर एंड साल्ट। किसी भी एसिड से रिएक्शन करेंगे, कोई एसिड ले लीजिए और कोई बेस ले लीजिए, कॉमन एसिड में हम ले रहे हैं HCl, एक्वस होगा, बेस में ले रहे हैं हम NaOH, एक्वस होगा, ये दोनों कंडीशन एक्वस ही होंगे, एक्वस अगर नहीं है तो फ्लोरीन रिएक्शन नहीं होगा, दोनों अपने रेडिकल को एक्सचेंज करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा, NaCl ये साल्ट हुआ और H2O वाटर हुआ। देखिए हुआ क्या है यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म में, एक्चुअली HCl डिसोसिएट हुआ, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सिमिलरली NaOH डिसोसिएट हुआ, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कंबाइन करके H2O बना दिया, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव से कंबाइन करके NaCl साल्ट बना दिया। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और ये एक यूनिवर्सल लॉ हो गया, एनी एसिड प्लस एनी अल्कली द फाइनल प्रोडक्ट्स आर साल्ट एंड वाटर। ये बहुत जेन्युइन रिएक्शन है और टाइट्रेशन में, लेबोरेटरी में आप इसका यूज करेंगे, किसी एसिड के स्ट्रेंथ से आप अल्कली का स्ट्रेंथ निकालेंगे या अल्कली के नॉन स्ट्रेंथ से आप एसिड का स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब एसिड के जनरल यूज क्या क्या हो सकते हैं, लेबोरेटरी यूज तो है, इंडस्ट्रियल यूज भी है, इसकी चर्चा हम लोग अगले लेसन में करेंगे। ओके, थैंक यू।